तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि निबंध लेखन के जगह पे अभी हम लोग देखते हैं निबंध लेखन की जगह पे हम लोग देखते हैं कि अभी कहा जाता है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के नियम क्या हैं, सभी पे पिछली कक्षा में मैंने चर्चा की थी और ये बता दिया था कि इन बिंदुओं को ध्यान पे रखने की आवश्यकता है। तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज आप लोगों का जो पाठ्य पुस्तक है आरोह, उसका जो अगला पाठ है जिसका शीर्षक है स्पीति में बारिश, स्पीति में बारिश। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। इनके रचनाकार कौन है? कृष्णनाथ। आज रचनाकार के बारे में, रचनाकार के बारे में हम लोग पढ़ ले, उसके बाद फिर हम लोग पाठ पर चर्चा शुरू करेंगे। तो उससे पहले दो पंक्तियां हैं कि चलते चलते अंत नहीं, बिना छुटकारा नहीं। और क्या बोला, चलते चलते अंत नहीं, अंत के बिना छुटकारा नहीं, इसीलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। हम लोग जानते हैं कि क्या है कि हम लोग जितना भी चलते जाएं, कक्षा सातवीं या आठवीं में आप लोग पढ़कर भी आए होंगे कि जहां पे पक्षियां क्या कहती हैं कि उनकी इस आसमान से होड़ा होड़ी होती, माने प्रतिस्पर्धा होती, प्रतियोगिता होती, या तो आसमान के वो अंतिम सीमा तक पहुंच जाती या उनकी सांसों की डोरी तन जाती है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो वहीं पे आगे में है कि होती इस क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा में या तो हम जीतते या हमारे सांसों की डोरी जो है वो थम जाती। तो यहाँ पर रचनाकार यही कह रहे हैं कि चलने का कोई अंत नहीं है। देखिए मनुष्य की जो चाहती जो होती है ना, इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर आज हम लोग पैदल चल रहे हैं तो साइकिल की इच्छा होती है, साइकिल के बाद दो पहिए वाहन की इच्छा होती है, दो पहिए के बाद चार पहिए से, मैंने धीरे धीरे हमारी इच्छाएं जो है, हमारी आकांक्षाएं जो है, हमारी जो चाहते हैं जो, वो बढ़ती चली जाती हैं। उसी प्रकार हम अगर किसी मार्ग पे निरंतर अगर चलते रहे तो उस मार्ग का अंत क्या ही हमें नहीं मालूम। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं रचना क्या ये बताना चाहते हैं कि ये जो चाहते जो हैं, इच्छाएं जो हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और बोल रहे हैं इसके बिना लेकिन छुटकारा भी नहीं है। अगर हम ये चाहे कि इन सभी चीज़ों से दूर होकर हम शांत सुकून से भरा जीवन बिताएं तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और जब मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो ये सारी जो विशेषताएं हैं मनुष्य की वो हम सब में रहेंगी। बोले इसीलिए तपस है। देखिए मनुष्य तपस का मन यहाँ पे क्या होता है, गर्मी के संदर्भ में होता है, लेकिन यहाँ तपस क्या है, मनुष्य के अंदर जो एक चाहत या इच्छा जो है उसको पाने की जो लालसा जो है, जो ललक जो है, क्या कह रहे हैं आगे देखिए स्पष्ट हो जाएगा, धुआं है। यानी देखिएगा जब कोई हम लोग आग लगाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि आग का अस्तित्व तो समाप्त होती जा रहा है, या आग की जो वो तपन है या वो आग का जो ज्वलनशील रूप है वो नहीं है, लेकिन उसमें से धुआं है। तो धुआं है मतलब क्या है, अभी भी उसको फिर से जलाया जा सकता है या उसमें फिर से थोड़ी सी ज्वलनशील वस्तु अगर डाल दी जाए तो फिर से वो लहक जाएगा, जल जाएगा।
यानी कहने का है कि किसी कारणवश यदि मनुष्य हताश निराश या उदास भी हो जाता है तो अगर उसे प्रोत्साहित किया जाए, उसे सही मार्गदर्शन किया जाए तो हो सकता है कि वो फिर से जो उसकी चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं या जिस पथ पर वो अग्रसर है उस पथ पर आगे की ओर बढ़ जाए। इसीलिए बोले धुआं है यानी इच्छा है, यानी जब तक धुआं है यानी जब तक मनुष्य के अंदर किसी न किसी भी विषय को लेकर उसकी इच्छा या अभिलाषा जीवित है तब तक क्या है वह अपनी इच्छाओं या चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिश या प्रयास कर सकता है। कहते हैं जान लेने की पहचान लेने की, वह हमेशा ये कोशिश करते रहेगा कि कैसे उन वस्तुओं के बारे में या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको अच्छी तरह से जान सके या पहचान सके। कृष्णनाथ जी अब उनका जो व्यक्तिगत परिचय हम लोग वो देख लें। इनका जन्म 1934 ईस्वी वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। इनको लोहिया सम्मान से सम्मानित भी किया गया था इनकी रचनाओं के लिए। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। मैंने पढ़ने के दौरान इनका झुकाव जो है समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दोनों पर इनको समान रूप से अधिकार प्राप्त था लेखन का। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में, माने ये संपादक मंडल में थे, उसके एडिटोरियल बोर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक भी संपादन किया। और अंग्रेजी के जो ये थी पत्रिका थी मैनकाइंड, उसका भी कई वर्षों तक इन्होंने संपादन का कार्य किया था। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णदास जी ने काफ़ी कुछ लिखा है बौद्ध दर्शन को लेकर। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, मैंने उनकी रचना करने की जो इच्छा थी आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। अब ऊपर की पंक्तियों को आप ध्यान में रखिए। मैंने कहा ना कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, जो चाहते होती हैं या जो उसकी आकांक्षा होती है वो कभी पूरी नहीं होती, हमेशा वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है और अधिक प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वे यावर हो गए। यावर माने घुमक्कड़ हो गए, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना, उसको हम कहते हैं यावर। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। मैंने कई बार देखिएगा हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो हम लोग बस मनोरंजन के लिए जाते नहीं, लेकिन जहाँ भी कृष्णदास जाते थे तो सिर्फ यात्रा करने के उद्देश्य से नहीं जाते थे, मतलब वहाँ की जो यात्रा जो वो करने जा रहे हैं वो स्थान विशेष किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से कौन सी यादें जुड़ी हुई हैं, उन सबके बारे में वो खोज खबर लेते थे। जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय रहकर लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, माने देखिए जो भी पर्यटन स्थल है कहीं ना कहीं वो लोगों से ही जुड़ा हुआ है और लोगों के मानस में, लोकमानस माने लोगों के मस्तिष्क से उसका गहरा संबंध रहा है, गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठकर
वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो, और ऐसे लगता था कि वो पहाड़ियाँ भी जो हैं वो लगता था कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वो आएँ और हमारे अस्तित्व को पहचाने, हमारी पहचान से सबको अवगत कराएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं, माने जनता तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। कृष्णनाथ की यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा इतिहास पुराण का संसार समेटे हुए हैं, पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। और जब उनके आप यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खुद उस जगह विशेष पर घूम रहा हूँ या उस जगह विशेष की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। वे भी अगर कृष्णनाथ के साथ यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा, उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी। तो इसलिए देखिए, पिछली कक्षा में भी मैंने कहा है, जब मैं पढ़ा रहा था लहासा की ओर कक्षा 9वीं में, तो मैंने बताया था कि जब हम किसी यात्रा विशेष के लिए जाते हैं तो उस स्थान विशेष के बारे में, उस स्थान विशेष की जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में, वहाँ जो कुछ लोक कथाएँ प्रचलित हैं उस संदर्भ में या जो भी उसके संबंध में घटनाएँ प्रचलित हैं सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी यात्रा वृतांत लिखे जाते हैं, यात्रा साहित्य लिखा जाता है, वो इसी उद्देश्य से लिखा जाता है कि जो भी पर्यटक है या जो भी व्यक्ति विशेष वहाँ पर घूमने के लिए जा रहा है, पहले वो उन स्थान विशेषों को बारे में अच्छी तरह से जान ले, और जानने के बाद जब उस जगह पे जाए तो देखिएगा कि आपको और अच्छा लगेगा, अरे मैंने तो इतना ही इस विषय के बारे में पढ़ा था या जाना था या देखा था या सुना था, यहाँ तो इससे भी कुछ ज़्यादा है। और जब हम बिना किसी विषय के बारे में जाने अगर किसी स्थान विशेष की यात्रा पर चले जाते हैं तो क्या होगा, मैंने कहा ना कि बस मनोरंजन के दृष्टिकोण से हो सकता है वो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मनोरंजन किया, बस इससे अधिक कहीं कुछ नहीं होगा। स्पीति में बारिश, अब जो हमारा विषय है जिस पाठ पे हमें चर्चा करनी है, पाठ जो है एक यात्रा वृतांत है, यह पाठ जो है ये यात्रा वृतांत है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। कई बार पूछा जाता है क्या है ये एक यात्रा वृतांत, मैंने यात्रा का वर्णन किया गया, वृतांत का होता है वर्णन करना, विस्तार से बताना। स्पीति, अब ये कहाँ है, हिमाचल के मध्य में स्थित है। ये स्पीति कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल के मध्य में स्थित है, ये जो जगह का नाम है यह जो है हिमाचल के मध्य में स्थित है। माने जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसके मध्य में स्थित है ये। हिमाचल के मध्य में ये स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, मैंने जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो जनसंख्या का, ऋतु का, मैंने कौन कौन सी ऋतुएं वहाँ पे होती हैं, फसलों के बारे में, जलवायु के बारे में और भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित और सबका एक दूसरे से गहरा संबंध है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम मैंने जहाँ पहुँचना कठिन हो, देखो यहाँ पे अगर शब्द को अलग अलग करो तो देखो यहाँ पे मिली जा रहा दुर्गम, गम का अर्थ क्या होता है, गमन करना, जाना, दूर माने कठिन, माने जहाँ पे जाना कठिन हो, जहाँ पे जाना सहज न हो, उसी को हम कहते हैं दुर्गम स्थल या दुर्गम स्थान, दुर्गम रास्ते। स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। अब इन स्थान विशेषों पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन शैली के बारे में सोचिए, जहाँ पे जाना कठिन हो, जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं हो, और ऐसे क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं उनके जीवन शैली के बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उनका जीवन शैली तब किस प्रकार का होगा, जहाँ उनका आम लोगों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। और देखिए यहाँ पे भी रचनाकार को जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो है युवा वर्ग से।
देश की युवा वर्ग ही वह वर्ग है जो समाज में या किसी स्थान विशेष पर जहाँ पहुँचना कठिन हो या जहाँ जिसका विकास नहीं हुआ हो उसमें वो आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। आमूलचूल परिवर्तन लाने का माने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है वो, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि युवा वर्ग सामने आए, वह अपने उत्तरदायित्वों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें और ऐसे क्षेत्र विशेषों के विकास में अपना योगदान दें। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्थिति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 69 है, 69 पर जो आखिरी पंक्तियाँ हैं कि ठंडे रेगिस्तान जैसे स्थिति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, मैंने उनके भीतर एक आशा की किरण वो जगा सकता है। जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा आरंभिक दो पंक्तियों को, मैंने अगर धुआं उनके अंदर ये जो आशा जो है एक धुएं के रूप में है, अगर वो धुआं समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, उसमें कोई जलन या कोई तपस्या नहीं होती, कोई तपन ही नहीं होता। मान लीजिए कि बार बार अगर हम लोगों को कोई कुछ समझाने की कोशिश करे और हम लोगों के भीतर उनकी उन बातों को समझने की या उस बातों को सुनकर प्रोत्साहित होने की कोई भावना भी क्षणिक माने लेस मात्र भी नहीं रह गया हो कुछ भी समय के लिए, तो क्या कोई हमें प्रोत्साहित कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। मान लीजिए बार बार आप लोग को समझाया जा रहा है कि पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है, इसी पे आप लोगों का भविष्य निर्भर करता है, सब कुछ समझाई जा रही है, और आप लोग क्या कर रहे हो, बातों को तो सुन रहे हो लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हो, तो फिर उस समझाने का लाभ कोई फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार अगर युवा वर्ग को लेकर जो एक आशा एक जो विश्वास दिखाई जा रही है, अगर युवा वर्ग अपने उत्तरदायित्वों को अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा तो फिर क्या किया सकता है, धीरे धीरे वो जो धुआं जो है वो जो आशा की किरण है फिर समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वहाँ के लोग उसी तरह के जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उनका विकास नहीं होगा, उस क्षेत्र विशेष का विकास नहीं होगा। तो अगर ऐसे कई क्षेत्र विशेष जिसका विकास नहीं होगा तो क्या हम भारत के विकास की कल्पना कर सकते हैं? कदापि नहीं। ये जो विभिन्न नारे हम सुनते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबके लिए सभी चीज़ों की सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, तो ये नारा कब हम लोग पूरा कर सकते हैं, या ऐसे जो भी विचार हैं समन्वय और समानता पर आधारित समाज की कल्पना हम कब कर सकते हैं? जब हम सभी एक दूसरे की मदद करें, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, सभी एक दूसरे के सुख दुखों में शामिल हों, तब। तो स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, माने ये लाहौल स्पीति एक जिला है जिसका ये तहसील है माने थाना है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, यह आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है, योगायोग माने जोड़ना। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास भी में भी कम रहा है, माने ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, कठिन रास्ते हैं जहां आसानी से लोग पहुंच नहीं सकते, जो पूर्व में मैंने कहा, जिसके कारण इसकी पहचान जो है अभी तक जनता तक नहीं पहुंच पाई है, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अलंग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, अलंग्य भूगोल माने अलंग माने जिसे लांघा ना जा सके। अब जबकि संसार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, और अब क्या हुआ धीरे धीरे विकास हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं ना विज्ञान हमारी तरक्की करी है, हम लोग भी दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तब क्या होता है वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे क्षेत्र विशेष के साथ संपर्क करने की कोशिश की जाती है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का जो सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। हम मान लीजिए आपको
कि कहीं कोई चीज का दायित्व दिया गया है और वो जो स्थान विशेष है वहां पहुंचना कठिन है और वहां आपको जो दायित्व दिया गया है आप उन दायित्वों का निर्वहन आप कैसे करते हैं या कैसे नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल है समझना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि केलंग का राजा जो सूबेदारों को नियुक्त करके जगह जगह पे भेजता था तो उनको ये भय बना रहता था, डर बना रहता था कि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर सकता है, विद्रोह तो नहीं कर सकता है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। मैंने बसंत के मौसम में यहाँ से जो दूरी है 170 मील की है, बहुत ही कठिन है जाना आना, और बोले ठंड में तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं जाने आने की। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। मैंने देखिए भारतीय साम्राज्यों का ये अंग थी लेकिन अनाम थी, मैंने जिसका कोई नाम नहीं था। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है और यह स्वतंत्र था। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बूसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। माने जिसके भी अधीन ये रही है यह स्वतंत्र रही है, क्योंकि वहां तो पहुंचना कठिन था, वहां तक आना जाना बहुत ही कठिन कार्य था, जिसके कारण क्या होता था किसी के अधीन रहने के बावजूद भी वह स्वतंत्र रहा, स्वायत्त रहा। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिर्जी है, भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। माने यहाँ पर जो भी विनाश होता है, जो भी उत्थान होता है, वह जो प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं, जो भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं, उन्हीं के द्वारा होता रहता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा का अर्थ होता है संदेशवाहक, हरकारा का अर्थ है संदेशवाहक। संदेश वाहक का अर्थ होता है संदेश पहुंचाने वाला, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला। तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था, माने बसंत का एक समय बीत जाता था, अब इतने दूर आएगा जाएगा वो, आवागमन के संसाधनों का उतना विकास नहीं था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, लाहुली हदसकर आंखें बंद कर चागमा का तन पकड़ या एक दूसरे की पकड़ कर बैठ गया। मैंने क्या हो रहा है कि जब ऐसा कोई विस्फोट होता था, या देखिए जब भी परिवर्तन आएगा तो वहाँ पर क्या होता है, रास्ता बनाने के लिए कई तरह के विस्फोट से लेकर उसका विकास के लिए जो भी संसाधनों का उपयोग किया जाता था, उससे तो वो तो भली भांति अवगत नहीं है, परिचित नहीं है, तो वहाँ मनुष्य ही नहीं डर जाता था, बल्कि यहाँ पे रचनाकार ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति भी डर जाती थी। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। अब जब जोरावर सिंह नामक एक राजा जो था जब वहाँ पे आक्रमण करता है तो सभी लोग डर से घर छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये साहस नहीं था, इस सभी चीज़ों में वो तो निपुण नहीं थी। उसने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा, मैंने जो भी संपदा थी उसको वो लूट लेता है, यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। और रचनाकार यहाँ पे कह रहा है कि जो किसी का प्रतिकार नहीं करना, विरोध नहीं करना, लग रहा है यहाँ वहाँ की जो प्रकृति, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, लग रहा है ये इसकी निशानी है। वो लोग क्या करते थे, सब छोड़ छाड़ कर भाग गए, जो भी आक्रमण किया वहाँ से जो भी लूटा पाटा, और अपने अपने फिर से वापस राज्यों की ओर चल पड़े, और फिर लोग आकर वहाँ पर निवास करने लगे। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। अब आ गया जनसंख्या के बारे में, 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 रही है, मैंने 1901 में जब जनगणना हुई थी तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या मात्र थी 3,231। 1971 मैंने 70 साल के बाद जब फिर जनगणना हुई तब वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़कर हुई 7,196, मैंने 7196।
इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,015 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गेजेटियर माने जो ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार जो वहाँ पे पब्लिश हुआ था, छपा था, यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या जो है प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, माने प्रति वर्ग मील यहाँ 4 से भी कम लोग रहते हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। 1901 में जब गणना हुई थी तो ये 2 से भी कम था। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था, माने वहाँ का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश राज से भारत को जैसे पहले था वैसे ही मिला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था, और अंग्रेजों ने इस पर जो आधिपत्य किया था वो गुलाब सिंह से उनको ये मिला था, जो कहाँ के राजा थे 1846 ईस्वी में, कश्मीर के। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, ये सारे धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन आ गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में हुए कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, मैंने उनको शामिल कर दिया गया, कांगड़ा नामक एक जिला था उसके अधीन। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो मैंने होता है स्थानीय शासक, किसी को मैंने एक दायित्व दे दिया जाता था, उत्तरदायित्व दे दिया है कि आपको इसका पूरा संचालन करना है, चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, राजा नहीं, जो दमयंती, तो दमयंती जी को रानी मानते थे मैंने। और यहीं पे क्या था, उनकी जो थी उनकी जो पत्नी वो रानी हो गई, और जो शासक जो है वो राजा हो गया, मैंने उनको बहुत सम्मान दिया जाता था। तो आज स्पीति में बारिश में हम लोगों ने दो पृष्ठों पर चर्चा की, पृष्ठ संख्या 70 और 71 पर, कि कैसा वहाँ का भौगोलिक वातावरण था, वहाँ की जनसंख्या कैसी थी, लोगों के वहाँ के जो थे लोग जब प्रतिकार नहीं करते थे, जब भी कोई आक्रमण करता था उसका विरोध नहीं करते थे, तो इन सभी विषयों पर आज चर्चा हुई है। अगली कक्षा में हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।